हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में सारथी से रिलेटेड अपना रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि मैंने सारथी लगभग 1 मंथ पहले ही परचेज कर लिया है अपने लक्ष्य बैच से पहले। तो मैं अपने जो रिवीजन मैं कर रहा हूं अर्जुना बैच का, उसका मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या उसमें के टीचर्स जो कोचेज हैं वो बढ़िया हैं कि नहीं, डाउट क्लियर करते हैं या नहीं करते हैं, और मैंने कितने में परचेज किया है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग पूछ रहे थे उसको मैंने नोट डाउन किया और उसको मैं आंसर करूँगा इसमें। और मैंने कितने में ख़रीदा था सारथी को, और क्या कूपन कोड दूँ आपको जिससे आपको भी 100 रुपये का ऑफ हो जाए। और मैंने भी किसी का कूपन कोड यूज करके मैंने भी 100 रुपये का ऑफ़ किया था। मैं बताऊँगा किसका कूपन कोड यूज किया था, मैंने तो अपना फ्रेंड का किया था। तो आप मेरा कूपन कोड अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका भी 100 रुपये ऑफ हो जाएगा। चलिए मैं वीडियो में आगे बताऊँगा, और फाइनली मैं आपको बताऊँगा कि आपको सारथी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बात ये कि कोचेज कैसे हैं। तो कोचेज देखिए, मेरे लक्ष्य बैच में मतलब 12th के जो सारथी के जो कोचेज हैं, मेरे जो कोचेज मिले हुए हैं वो तो बहुत बढ़िया हैं। वो बहुत बढ़िया है इसलिए क्योंकि मैंने जब भी कॉल लगाया है उनको, मैंने जब भी उनको वीडियो कॉल किया है, मतलब जो सारथी के थ्रू लगता है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि बाद में आइए। इवन जो फिजिक्स के मेरे कोच हैं मुकुल सर और एक और सर हैं रात वाले, उन्होंने ऐसा भी बोला है कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मतलब 1 मंथ में, समझ सकते हो। तो बहुत सपोर्टिव होते हैं। और मेरे अभी मेरा अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप 11th में जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मतलब पूरा प्लांट फिजियो पढ़ोगे, तो मेरा पूरा प्लांट फिजियो जो है, मेरी मैम जो है, एक मैम है बोटेनी की, वो मैम मुझे पूरा फाइनल करवाई है ओनली 10 डेज में 5 चैप्टर, यानी 1 चैप्टर 2 डेज में मैंने पूरा रिवीजन करके किया है। तो मैं ये बता रहा हूँ आप एग्जांपल के थ्रू कि जो टीचर्स हैं, जो कोच हैं, वो बहुत बढ़िया है। आपको इसमें डाउट नहीं करना है कि कोचेज कैसे हैं। इवन जब आप फोटो भेजोगे अपने डाउट के, तो वो तुरंत तुरंत से रिप्लाई करते हैं कि बेटा कब ज्वाइन करते हो। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है कोचेज में, कोई डाउट नहीं है। फिर डाउट क्लियर होता है या नहीं, तो मैंने इसका पहले ही आंसर दे दिया कि डाउट 100% क्लियर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा, मैंने कितने में परचेज किया। देखो, अगर आप अर्जुना और लक्ष्य बैच अगर अभी तक अपने परचेज नहीं किया है तो विश्वास दिवस एक्सटेंड हो चुका है। आप जाकर जल्दी से जल्दी 15 तारीख तक जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। और मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू जाइएगा तो मुझे भी फिजिक्स वाला की तरफ से कुछ 50-100 रुपये मिलेंगे। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 100 रुपये का फ़ायदा होगा, आपका 100 रुपया ऑफ होगा। तो जाइए मेरा कूपन कोड यूज कीजिए और 15 तारीख से पहले कीजिए, क्योंकि फिजिक्स वाला का जो विश्वास दिवस था वो 15 तारीख तक अलग पांडे सर ने बढ़ाया है, तो वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। और मैंने कितने में लिए थे, तो जब आप अर्जुना और लक्ष्य बैच के साथ लीजिएगा तो 3800 में पड़ेगा, और 3800 में पड़ेगा अर्जुना और लक्ष्य बैच के साथ। लेकिन अगर आप अलग से परचेज करते हैं तो वो 4000 में पड़ेगा, तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अर्जुना या लक्ष्य बैच अगर परचेज करते हैं तो उसी के साथ खरीद लीजिए, और वहाँ पे फाइनल में कूपन कोड मेरा डाल दीजिएगा तो आपको 100 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। तीसरा, कि फाइनली आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि 100% आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि मैंने 11th में ना लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मेरा फिजिक्स का बहुत सारा डाउट जो है वो बचा है अभी तक, जिसको मैं अब रिवीजन के थ्रू कंप्लीट करूँगा अपने 12th में, और जो भी टाइम बचा हुआ है मेरे 12th स्टार्टिंग में। तो इसलिए आपको 11th से ही सारथी लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए, एक टास्क के फॉर्म में आपको कोचेज जो है वो टास्क देते हैं कि आप ये कंप्लीट करके कल चेक कराइएगा, कल मैं आपको लाइव क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर पाते हैं। और मेरा अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा है, जिस पे अभी तक 6K व्यू हो चुका है, कि मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था अर्जुना नीट का, तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए कि मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आप और सारे टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट। और मैं भी ज़्यादा लंबे समय तक वीडियो नहीं डालूँगा, क्योंकि मेरा भी प्रिपरेशन है, और मैं जब तक 12th स्टार्ट नहीं होता है तब तक मैं कुछ वीडियो डाल दूँगा, लेकिन जैसे ही 12th स्टार्ट होगा मैं वीडियो डालूँगा, लेकिन शायद नहीं भी डाल पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस कम्प्लीट करना होता है। तो जय हिंद जय भारत। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।